नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अभी कुछ देर पहले ही आया मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ तो अगर आप हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑल ऑफलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मई 2021 तो जितना भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन मई के महीने में होने वाला था उसको पोस्टपोन किया जा रहा है तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है नोटिफिकेशन में ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन अर्ज फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन को सारा जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन मई मैं के महीने में होने वाला था उनको कैंसिल किया जा रहा है ड्यू टू तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन इन द कंट्री तो जैसा आप आपको पता ही है सेकेंड वेव चल रहा है कोविड का तो उसकी वजह से सारा एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है तो नीचे लिखा गया इन इना लेटर एड्रेस टू द हेड्स ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री अमित खरे हैज़ अर्ज द इंस्टीट्यूशन टू पोस्टफोन ऑल ऑफलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द मंथ ऑफ मई तो जैसा कि लेटर में लिखा गया हायर एडुकेशन के तरफ से श्री अमित खरे जी ने लिखा है तो जैसा कि इसमें बताया गया कि मई के महीने में जितना भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला था उनको कैंसिल किया जाए जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है उनके तरफ से तो यहाँ पे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन को बोला गया है ये तो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सेट्रा में हाव अवर कंटिन्यू जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगा सिर्फ ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो रहा है तो द इंस्टीट्यूशन हैव बीन फर्दर एडवाइस टू एंश्योर डेट इफ़ एनी वन इन द इंस्टीट्यूशन इन एनी असिस्टेंट इट शुड भी प्रोवाइडेड इमीडिएट पॉसिबल हेल्प सो डेट ही एंड सी कम्स आउट ऑफ द डिस्ट्रेस एट द अर्यस तो जैसा कि इंस्टीट्यूशन में कोई भी परेशानी है किसी को तो उनको फटाफट फ़ाद असिस्टेंट दिया जाएगा एडुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो जल्दी अपने आप ठीक हो सके ऑल इंस्टीट्यूशन हैव टू एनकरेज एलिजिबल पर्सन टू गो फॉर वैक्सीनेशन एंड एन्श्योर डेट एवरी वन फॉलोज कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू रिमेन सेफ तो सभी इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि जो एलिजिबल पर्सन है उनको वैक्सीनेशन किया जाए और कोविड नाइन्टीन के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी माना जाए जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पहनना जरूरी है तो यही था पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑल ऑफ़लाइन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन से आया तो अगर आप इसका ऑफिशियल लिंक जानना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट और मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल में आज ही ढाला गया था तो मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल का ऑफिशियल लिंक डाल दूंगा यहाँ पे वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नमस्कार